वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय टेक लेजेंड यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोना शो यू विंडोज कस्टमाइजेशन। जैसे कि टास्क बार से कोई आइकन ऐड करना हो या रिमूव करना हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे टास्क बार पर नेटवर्क आइकन, वॉल्यूम, बैटरी, ये सब आइकन नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी दिस पीसी मतलब कि कंप्यूटर आइकन भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आज की वीडियो में इन सब आइकन को रिकवर करने वाले हैं और इसके अलावा भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ नेसेसरी कस्टमाइजेशन देखने वाले हैं। So without waste of time, let's get started. तो विंडोज कस्टमाइज करने के लिए आपको अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना विंडोज एक्टिवेशन चेक करना है। विंडोज एक्टिवेशन चेक करने के लिए विंडोज मेनू पर जाके सेटिंग पर ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिवेशन। एक्टिवेशन पर जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका विंडोज एक्टिवेटेड है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एडिशन है विंडोज होम एडिशन और एक्टिवेशन पर देख सकते हो विंडोज इज एक्टिवेटेड। और अगर आपका विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड तो विंडोज एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोडक्ट की बाय करना पड़ता है जो कि बहुत महंगा होता है क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए 95% यूज़र क्या करता है, वो अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बिना एक्टिवेट किए ही यूज़ करते हैं, पर वो लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं। और अगर आप अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री में एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर और ऊपर आई बटन पर मिलेगा। वहाँ से वो वीडियो देख के बहुत आसानी से आप अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर लेना। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो चलते हैं विंडोज को थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि टास्क बार की कस्टमाइजेशन। यहाँ पर कुछ आइकॉन्स जैसे कि मेरा नेटवर्क आइकॉन, वॉल्यूम आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, बैटरी आइकॉन, ये सब नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले इन आइकॉन को रिकवर करने वाले हैं। रिकवर करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली टास्क बार पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टास्क बार सेटिंग और सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पर आप नोटिफिकेशन एरिया पर जाके यहाँ पर देख सकते हो टर्न सिस्टम आइकॉन्स ऑन और ऑफ, यहाँ पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा टास्क बार आइकन का लिस्ट। यहाँ पर मैं क्लॉक आइकन को रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली इसको ऑफ कर देना है। और यहाँ पर मैं वॉल्यूम, नेटवर्क, पावर, इन सब को इनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा आइकन रजिस्टर हो गया। इसके अलावा भी आप बहुत सारे कस्टमाइज कर सकते हो ना। अभी हम डेस्कटॉप पर दिस पीसी यानी कंप्यूटर आइकन को रिकवर करने वाले। तो कंप्यूटर आइकन को रिकवर करने के लिए सिंपली डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पर्सनलाइज पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर थीम पर आना है। थीम पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, यहाँ पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर आइकन को अनटिक किया हुआ है, तो इसको टिक कर देने से आपका कंप्यूटर आइकॉन रिस्टोर हो जाएगा। और मैं रिसाइकल बिन को डेस्कटॉप से हटाना चाहता हूँ तो सिंपली इसको अनटिक कर देना है। और जैसे कि मैं नेटवर्क आइकॉन को ऐड करना चाहता हूँ तो इसे भी टिक कर देता हूँ और सिंपली अप्लाई करके ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा दिस पीसी मतलब कि कंप्यूटर और नेटवर्क पीसी आइकॉन रजिस्टर हो गए हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।